अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की इस नई वीडियो में बहुत ज्यादा वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए फाइजा ब्यूटी क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ कि ये कौन सी स्किन के लिए बेनिफिशियल है और कौन सी स्किन के लिए इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स, वक्त को जाय किए बगैर शुरू करते हैं इसका रिव्यू। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी असल और नकल की पहचान क्या है, इसके इस्तेमाल का सही तरीका और क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको वेलकम कहती हूं। और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम स्टोर्स पर इजीली मिल जाएगी। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, एक फेयरनेस और नाइट क्रीम है। ये क्रीम पाकिस्तान में PCSIR से मंजूर शुदा है। हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मुझे जो इस क्रीम का फीडबैक मिला वो पॉजिटिव था, यानी ये क्रीम दावा करती है कि ये आपकी स्किन को वाइट करेगी, रंगत को निखारेगी। अगर कोई इस हवाले से इस क्रीम को इस्तेमाल करता है तो उसे कुछ ही दिनों में फेस वाइटनिंग हासिल हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो इसका इस्तेमाल करता जाता है तो उसका कलर अजीब से अजीब तर होता जाता है, मतलब ना तो ब्लैक रहता है ना ही वाइट, बल्कि अजीब सी रेडिशनेस स्किन पर आ जाती है और अजीब से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर वो उसी वक्त उसका इस्तेमाल रोक दे तो उसका चेहरा काफी अफेक्टेड और भयानक नजर आता है। फिर उसको यही क्रीम दोबारा रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ती है, यानी ये क्रीम हमारी स्किन को खुद का आदि बना लेती है। और अगर कोई इसको इस्तेमाल ना करे तो स्किन के नुकसानात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सिचुएशन ये है कि ऐसी क्रीमों के रंग गोरा करने के बुलंद बाला दावे और एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में इसके साइड इफेक्ट से बेखबर लोग इनको धड़ाधड़ खरीदते जा रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने इस क्रीम के फवायद और नुकसानात आपको बता दिए हैं, इस्तेमाल का फैसला आप खुद करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।